हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त आमिर हुसैन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज आप देखेंगे हमारे पास है निसान माइक्रा। ये गाड़ी हमारे पास पंजाब राजपुरा से आई है और आप देखेंगे इस गाड़ी में काफ़ी डेंट का काम है। ये नीचे रनिंग बॉर्डर आप देखेंगे और रियर डोर देखिए कितना ज़्यादा डैमेज है। क्वार्टर पैनल में भी काफ़ी डेंट का काम है। डिग्गी में आप देखेंगे माइनर डेंट है, इसको पहले रिपेयर किया गया है तो पुट्टी वर्क सही नहीं किया है। राइट साइड में डेंट का काम ज़्यादा नहीं है। राइट साइड में छोटे छोटे डेंट हैं और काफ़ी लहर हैं क्योंकि रियर डोर पहले पेंट किया गया है। ये गाड़ी नॉर्मल सॉलिड कलर है। इस गाड़ी को हमें पर्ल वाइट में करना है। फ्रंट बम्पर में आप देखेंगे चाइनीज स्क्रू लगे हुए हैं, नीचे से क्रैक भी है, इसलिए हम इसको रिप्लेस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी फिटिंग हटा देंगे और ये भी रिपेयरिंग का काम हमारा शुरू हो चुका है। पूरी गाड़ी में सबसे बड़ा डेंट लेफ्ट रियर डोर में ही है। सबसे पहले हम इसी को रिपेयर करेंगे। दरवाजे की लाइन मिला ली गई है और अभी आप देखेंगे बारीकी से डेंटिंग का काम चल रहा है। बहुत बारीकी से डेंटिंग का काम किया जाएगा जिससे कोई छोटा भी डेंट ना रहे और दरवाजों में कोई लहर ना रहे, क्योंकि सॉलिड पेंट में छोटे डेंट और लहर दब जाती है, दिखती नहीं है। पर अभी क्या है, हमें गाड़ी को पर्ल वाइट कलर करना है। पर्ल वाइट में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग होती है और बहुत ही ज़्यादा ग्लॉजी होता है। अगर उसमें एक माइनर डेंट भी रहेगा तो वह बहुत ही आसानी से दिख जाएगा, और अगर डेंट या लहर दिखते हैं तो गाड़ी को डेंटिंग पेंटिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं गाड़ी को बहुत ही अच्छी तरीके से डेंटिंग का काम किया गया है। सभी पैनल्स पे जितने भी छोटे माइनर डेंट थे या बड़े डेंट थे उन सबको क्लियर कर लिया गया है। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं डेंटिंग का काम हमारा फाइनल हो चुका है और अभी ऑर्बिटल सेंटर से हम गाड़ी की फेदरेजिंग कर रहे हैं। शुरू में इस गाड़ी में देखने में इतना ज़्यादा काम नहीं लग रहा था, सिर्फ रियर लेफ्ट एंड राइट डोर में काफ़ी ज़्यादा काम था। लेकिन जब हमने इसमें काम शुरू किया तो आप देखेंगे पूरी गाड़ी में बहुत ज़्यादा माइनर डेंट थे, तो हमने उन सबको क्लियर कर लिया है। और जैसे कि आप देख रहे हैं अभी हम इसमें फेदरेजिंग का काम कर रहे हैं। इस ऑर्बिटल सेंटर में हमने 80 ग्रिट का पेपर लगाया हुआ है। ये हमारे पास 80 ग्रिट का पेपर है तो अच्छे से घिसाई करेंगे। पैनल्स की अच्छे से घिसाई हो गई है और अभी आप देखेंगे पॉलिस्टर पुट्टी लगाई जा रही है। डेंट वर्क के बाद घिसाई का काम बहुत ज़रूरी होता है। अगर सही से घिसाई नहीं होगी तो पॉलिस्टर पुट्टी पकड़ नहीं कर पाएगी और कुछ टाइम के बाद इसमें आपकी पपड़ी बनेगी, बबल्स बनेंगे। ज़रूरत के हिसाब से पूरी गाड़ी को हमने पॉलिस्टर पुट्टी लगाई है और अभी आप देखेंगे घिसाई का काम चल रहा है। पेंट के काम में सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क पुट्टी का होता है। पुट्टी सही से लगाई जाए और प्रॉपर तरीके से घिसी जाए, इसमें लहर नहीं रहनी चाहिए, कोई माइनर भी डेंट नहीं रहना चाहिए। कहने की बात यह है कि अगर आपकी गाड़ी में पुट्टी वर्क अगर प्रॉपर तरीके से हो जाता है तो गाड़ी को कोई देखकर नहीं बता पाएगा कि गाड़ी डेंटिंग पेंटिंग की गई है, क्योंकि गाड़ी की जो शेप बिगड़ती है वो पुट्टी की वजह से बिगड़ती है, सही से नहीं लगाई जाती है और प्रॉपर तरीके से घिसाई नहीं हो पाती है, जिस कारण गाड़ी की शेप बिगड़ जाती है, उबड़ खाबड़ दिखती है, लहर दिखते हैं, तो पता लगता है कि इस गाड़ी को डेंटिंग पेंटिंग किया गया है। एक बार पूरी गाड़ी की घिसाई होने के बाद हम इसके डोर निकाल देंगे और अभी आप देखेंगे रियर बम्पर का हम पेंट रिमूव कर रहे हैं। यह गाड़ी पहले ओला में चलती थी इसलिए इसका फ्रंट एयर रियर बम्पर ग्रीन कलर का था, तो इसके ऊपर ही पेंटर ने पहले वाइट कलर कर दिया था। अभी हम क्या कर रहे हैं कि पूरा कंप्लीट इसका पेंट रिमूव करेंगे और उसके बाद नई तरीके से इसको घिसाई करके प्राइमर लगा के फिर पेंट करेंगे। फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं गाड़ी में हमारा बेस वर्क पूरा हो चुका है, पुट्टी का काम एकदम फाइनल है और अभी मास्किंग भी हमने अच्छे तरीके से कर ली है क्योंकि गाड़ी की कंप्लीट फिटिंग नहीं निकाली है। क्योंकि निसान कंपनी की गाड़ी है, रस्टिंग जल्दी से नहीं लगती है, तो इसको पूरा कंप्लीट खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आप देखेंगे प्राइमर का वर्क भी हमारा पूरा हो चुका है और अभी गाड़ी हमारी पेंट के लिए तैयार है। देखेंगे अच्छे से मास्किंग हो चुकी है और पेंट वर्क भी हमारा शुरू हो चुका है। ये आप अभी देखेंगे अभी बेस वर्क चल रहा है। पर्ल वाइट पेंट को 3 स्टेप में पेंट किया जाता है। फर्स्ट स्टेप इसमें ये होता है कि सबसे पहले हमें इसमें
बेस वर्क करना होता है, यानी कि वाइट कलर में जो भी गाड़ी की शेड है उसी शेड के हिसाब से दो कोट हमें बेस के लगाने होते हैं। और फिर उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो हमारा पर्ल का होता है, तो दो कोट हमें पर्ल के लगाने होते हैं। और तीसरे स्टेप में क्या है, हमें गाड़ी के ऊपर क्लियर कोट का एप्लीकेशन करना होता है। तो अभी आप देख सकते हैं अच्छे से पूरी कंप्लीट गाड़ी को बेस वर्क किया जा रहा है। हर एक एरिया आप देखेंगे प्रॉपर तरीके से मास्किंग की गई है। फेंडर को भी हमने बॉडी स्ट्रक्चर के साथ फिट करके लगाया है। इसको अगर हम अलग से पेंट करते हैं तो फिर नट बोल्ट के ऊपर स्पैनर के निशान आ जाते हैं, जिससे मालूम पड़ता है कि फेंडर खोला गया है। और अभी आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में भी बेस का काम चल रहा है। नीचे आप रनिंग बॉर्डर्स में देखेंगे यहाँ पर हमने सिलिकॉन की एक लेयर बनाई है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि गाड़ी के रनिंग बॉर्डर ही ऐसी चीज़ हैं जिनको सबसे पहले रस्टिंग की प्रॉब्लम होती है। आपने देखा कि रनिंग बॉर्डर पर हमने वाइट सिलिकॉन से लेयर बनाई है। इस लेयर का बेनिफिट ये रहेगा कि इस पर जल्दी से रस्टिंग नहीं आएगी और रनिंग बॉर्डर लॉन्ग टाइम तक आपका सेफ रहेगा। इसके साथ ही आप देखेंगे बॉडी पे बेस वर्क का काम पूरा हो चुका है, बेस पेंट लग चुका है। और अभी इसके ऊपर हम दो लेयर पर्ल की लगाएंगे। और ये हमारा पर्ल है, गाड़ी को पर्ल वाइट पेंट किया जा रहा है। और अभी फर्स्ट लेयर लगानी हमने पर्ल की शुरू की है। और आप देखेंगे कि जो इंटरनल पैनल्स हैं जो बम्पर के नीचे और लाइट के नीचे आ जाते हैं उन सभी एरिया पर भी हम पर्ल लगा रहे हैं और उसके बाद क्लियर भी लगाएंगे। तो पूरी बॉडी की फिटिंग खोलने का रीज़न यही होता है कि हर एक एरिया में अच्छे से गाड़ी पेंट हो जाए। अगर हम फिटिंग नहीं खोलेंगे तो यहाँ पर लाइन बनेगी और जब गाड़ी हम वॉशिंग करेंगे उस टाइम पे वहाँ से पेंट छूटना शुरू हो जाता है। और फिटिंग नहीं हटाएंगे तो कितनी भी मास्किंग कर ले कहीं ना कहीं पर छोटा मोटा पेंट किसी रबर या दूसरी फिटिंग पर आ सकता है, जिससे आसानी से गाड़ी को पकड़ा जाता है कि गाड़ी डेंट पेंट की गई है। अभी आप देखेंगे रूफ पर पर्ल का कोटिंग चल रहा है। पेंट के प्रोसेस में आपने देखा है कि भी सिर्फ पर्ल वाइट के पेंट में दो कोट हमने गाड़ी पर बेस के लगाए हैं। उसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि गाड़ी के ऊपर अभी पर्ल का कोटिंग चल रहा है, तो दो कोट ही हम इस पर पर्ल के लगाने वाले हैं। पर्ल के दो लेयर लगने के बाद उसके बाद हम इस पर क्लियर कोट करेंगे। ये भी हमारा पर्ल का काम पूरा हो चुका है। आप देख सकते हैं पर्ल लगने के बाद एक अलग ही लेवल की फिनिशिंग आ रही है। और अभी जब इसको हम क्लियर कोट करेंगे तो गाड़ी बहुत ही ज़बरदस्त लगने वाली है। ये देख सकते हैं दोस्तों हम इस पर अब क्लियर कोट यूज़ कर रहे हैं। क्लियर हमने इसमें कार्डिया कंपनी की यूज़ की है। कार्डिया कंपनी की क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर इसको बोलते हैं। बहुत ही हाई ग्लोज और हाई परफॉर्मेंस क्लियर है। ये फर्स्ट लेयर हम इसमें क्लियर की लगा रहे हैं। फर्स्ट लेयर पर भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फिनिशिंग है। फाइनली गाड़ी के ऊपर हम दो लेयर क्लियर की लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं रनिंग बॉर्डर को अच्छे से क्लियर लगाई जा रही है। रनिंग बॉर्डर आप देखेंगे कितना खूबसूरत लग रहा है। ये लाइनिंग बहुत परफेक्ट लग रही है इस पे सिलिकॉन की। और अभी हम रूफ को क्लियर कोट करेंगे। गाड़ी का एंटीना बहुत ज़्यादा जाम था जिस वजह से वो खुल नहीं पाया, और इस गाड़ी का एंटीना हमें दूसरा मिल नहीं रहा था, इस वजह से एंटीना को हमने हटाना सही नहीं समझा है। बाकी आप देखेंगे ज़्यादातर फिटिंग हमने गाड़ी की हटाई हुई है। फेंडर हमने साथ में छोड़ा है क्योंकि फेंडर अगर हम हटा देंगे तो इसमें क्या है, नट बोल्ट वगैरह को दोबारा फिट करना पड़ेगा, जिससे नट बोल्ट में निशान आ जाते हैं और देखने में लगता है कि फेंडर बाद में फिट किया गया है, इसलिए फेंडर को हम पहले ही फिट कर देते हैं। बाकी बोनट, फोर डोर, डिग्गी इन सब को बाद में फिट करेंगे पेंट करने के बाद। ये देख सकते हैं अच्छे से हर एक लाइन में, हर एक एजिस में पेंट का काम परफेक्ट तरीके से हो रहा है। चलो दोस्तों, गाड़ी हमारी पेंट हो चुकी है और अभी आप देखेंगे फिटिंग का काम चल रहा है।
गाड़ी का भी फिटिंग का काम चल रहा है, इसमें बॉनेट डोर वगैरह इन सब की हमने वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि थोड़ा सर्दियों का समय है तो सर्दियों में थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इस वजह से हमने ओनली बॉडी पेंट करना आपको दिखाया है। तो जैसे कि दोस्तों अभी देखेंगे, अभी हम बॉनेट फिट कर रहे हैं, इसका रियर बम्पर फिट हो गया है, अभी हम टेल लाइट फिट करेंगे। दोनों टेल लाइट्स हमारी फिट हो चुकी हैं और डिग्गी भी हमारी परफेक्ट आ गई है। अभी कस्टमर की डिमांड आई है कि मुझे रियर व्हील ड्रम और आगे कैलिपर रेड कलर में चाहिए, तो हमने रियर ड्रम और अगले वाले कैलिपर इनको हमने रेड कलर में पेंट कर दिया है। और अभी गाड़ी की फाइनल फिटिंग चल रही है। देखिए दोस्तों, एक लंबे प्रोसेस के बाद गाड़ी आपके सामने है। गाड़ी को डेंटिंग पेंटिंग कर दिया है हमने, इसमें कलर चेंज किया है पर्ल वाइट में। गाड़ी में पहले वाइट कलर था लेकिन प्लेन सॉलिड कलर था, और अभी आप देखेंगे हमने इसको पर्ल वाइट में पेंट किया है। नीचे अंडर बॉडी में जापान ब्लैक पेंट किया है और रियर व्हील ड्रम फ्रंट कैलिपर में हमने रेड कलर किया है। रियर बम्पर आप देखेंगे, इसको हमने पेंट रिमूव करके दोबारा से पेंट किया है, नया नहीं लगाया है। पूरी गाड़ी में आपको कहीं पर भी छोटा सा डेंट या लहर नहीं नज़र आएगा। मैं आपको डोर खोलकर दिखाता हूँ, जितनी परफेक्ट फिनिशिंग आपको बाहर मिलेगी उतनी ही अंदर पिलर्स में मिलेगी। आप देखिए इन सब पिलर्स को, यहाँ पर भी आपको एकदम शोरूम कंडीशन गाड़ी मिल रही है। डोर खोलकर कोई नहीं कह पाएगा कि गाड़ी पेंट की गई है, क्योंकि बाहर फिनिशिंग अलग है, अंदर फिनिशिंग अलग है। जैसी फिनिशिंग आपको आउटर पैनल पर मिलेगी वैसे ही इंटरनल पैनल्स पर भी मिलेगी। हेडलाइट इसकी चेंज की गई है, कस्टमर यूज्ड हेडलाइट लेकर आए हैं, और ये आप इसका रूफ देख सकते हैं। बोनट में देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से पेंट किया गया है गाड़ी को। देखिए फ्रेंड्स, गाड़ी हमारी अभी तैयार हो चुकी है और हमारे साथ वीरेंद्र भाई हैं, ये उनकी गाड़ी है। पहले इस पे नॉर्मल वाइट कलर था, अभी हमने इसको पर्ल वाइट में किया है। तो वीरेंद्र भाई बताइए, आप गाड़ी कहाँ से लेके आए हैं हमारे पास? मैं सर पंजाब राजपुरा से, अम्बाला से भी 30 किलोमीटर दूर है राजपुरा। हाँ जी। और आपका वहाँ से यहाँ तक का कितना सफ़र है? वहाँ से यहाँ तक का होगा तकरीबन 250 से 250 बढ़ता है। अभी मुझे तो ये चीज़ बताओ कि आपकी गाड़ी कैसे पहले थी, उसके बाद में भी आपने पर्ल वाइट कलर कराया है जिसमें आपके करीब 70,000 रुपये लग चुके हैं। तो ये बताइए, 70,000 रुपये लगने के बाद आपको कैसा फीलिंग आ रहा है गाड़ी? गाड़ी दर्शकों को दिखाओ, दर्शक खुद डिसाइड करेंगे, सामने है। मुझे तो देख के यकीन नहीं हुआ, एक बार बिल्कुल जैसे शोरूम कंडीशन होती है ना कार, बस वही हिसाब है। आप खुद देखो, चेक करो। अब हमारे बहुत से व्यूअर्स बोलते हैं कि आप प्राइस बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो प्राइस के हिसाब से आप देखिए, जैसे हमने पूरी कंप्लीट गाड़ी खोल के पेंट की है, उसमें चार्ज भी हमने आपको 70,000 रुपये बताए थे, और आपने जो है थैंक यू आपका कि आपने जो है पेमेंट भी पूरी की है, कोई बार्गेनिंग नहीं की है। धन्यवाद जी। तो जैसे कि दोस्तों आपने कस्टमर की बातों को भी सुना, उनका रिव्यू हमने लिया है, तो कस्टमर को गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। वैसे तो हम एक प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हैं, हम काम करने वाले बंदे हैं, तो हमसे इतनी अच्छी एडिटिंग नहीं हो पाती, हमें बोलने का इतना तरीका नहीं है। यूट्यूब पर हमें आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिला है, बहुत प्यार मिला है। तो दोस्तों आपको हमारा वर्क कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।